खरगोश की बात बताऊं तो ये दोस्त लोग होते ही चोमू है। ये वो केकड़ी है कि अगर मैं इनको कुएं के अंदर डाल भी देता हूं और अगर एक बंदा बाहर निकलने की कोशिश करता भी है तो बाकी केकड़े इसको नीचे खींच लेंगे। तभी मैं सोचूं कि थ्री इडियट्स में चतुर कैसे आगे निकल गया, नुबड़े के दोस्त ही नहीं थे। पता नहीं गाइस, बिना दोस्तों के जिंदगी एकदम फ्लॉप है भाई। लाइफ के अंदर जो मस्ती जो मजा दोस्त लोग देते हैं ना, कोई भी नहीं दे सकता। और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना रिएक्शन दिया जाए इंडियन हॉरिड फ्रेंड्स के ऊपर, या हॉरिड इंडियन फ्रेंड्स बातें की है। तो ये है इनका एपिसोड 1। वन सेकंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैंने यहां पे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, आप भी फटाफट से नीचे जाके आप भी सब्सक्राइब कर दो। एंड वन सेकंड, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक। तो आ गए फिर से, आ गए फिर से, हमको देख के सब लोग खुश हो गए। तो मेरे दोस्त लोग बहुत ही हरामखोर थे, और ये चीज मैं उनके किसी कारनामे को देख के नहीं बोल रहा हूँ, सबके होते हैं। उनकी शक्ल से दिखता था, मतलब तुम भी याद करो अपने किसी दोस्त को, कोई ना कोई गाली आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में। और मेरे दोस्तों का जो फेस शेप था ना, वो था कैदी। हाँ, उनके मुंह को देख के ऐसा लग जाता है कि यार ये तो डिजर्व करता है जेल में रहना। सही बात बोलती, जब मैं भी दोस्तों की शक्ल देखता हूँ तो मेरे को भी वो लोग लुटेरे लगते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे लिटरली बैंक लूट के आया है। क्या उनको भी मैं लुटेरा लगता हूँ? क्या उनको भी लगता है कि मैं ऐसे देखता हूँ जैसे मैं बैंक लूटने जा रहा हूँ या बैंक लूट के आया हूँ? किसी को उसके पापा के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है? तो ये जो तीन कैदी थे ना, इनके नाम थे गेंदा लाल जी, मांगी लाल जी और रमेश जी। हाँ, इसमें लाल नहीं जम रहा था इसलिए नहीं रखा हमने। और ऑफकोर्स कन्फ्यूजन होता था उसके पापा के नाम में और उसमें, तो हम लोग इसीलिए पापा को सिर्फ रमेश बोलते थे और दोस्त को रमेश जी। अरे रमेश, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, हमको रमेश जी से मिलना है, जा अंदर से बुला के ला रमेश जी को। और ये जो अपने मांगी लाल जी थे ना, इनको लौंडाबाजी करने का बहुत शौक था, पर इनकी एक भी नहीं रही थी, ठीक है, बस शौक था। तो ये बहुत ट्राई करने के बाद जिंदगी से थक हार के बैठ गए थे। तो गेंदा लाल जी, रमेश जी और मैंने मिलके एक प्लान बनाया कि अब हम बनाएंगे फेक आईडी लड़की की। तो हमने आईडी बना ली और मैसेज करा, हाय अमेजिंग। मांगी लाल जी भी कुछ कम नहीं है, ये भरे पड़े हैं, इनका इतना कट चुका है ना कि अब ये सीधे पॉइंट पे आते हैं। हेलो, आप आई सिंगल? मैं भी हूँ। ये भेजा है इस आदमी ने। अंदर की बात बताऊं तो हमने भी अपने टाइम में स्कूल के अंदर तीन चार दोस्तों से मिलके एक फेक आईडी बनाई थी लड़की की, और किसको प्रैंक किया था? अपने साइंस के टीचर को। ओह माय गॉड, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें? ये भेजा है इस आदमी ने सीधा पॉइंट पे। तब जाके हमको रियलाइज हुआ कि ये आदमी अंदर से कितना खोखला हो चुका है। अब इसको खोखला करते हैं और खोखला कर देते हैं। तो हम तीनों ने एक दोस्त होने के नाते उससे और बातें करी, दिन रात बातें करी, ताकि उसको अच्छा लगे और उसको बेवकूफ बना के हमको अच्छा लगे, और फिर मैं इस पे वीडियो बना दूं और तुमको अच्छा लगे। तो अपने मांगी लाल जी पूरे डूब चुके थे कन्वर्सेशन में, हम इनको खेलने बुलाते थे ना, नहीं बंदा बिजी हो चुका है, अब ये फालतू चीजों से दिमाग उठ गया है उसका, अब होती है दिन रात बातें। भाई यार, भाई का बहुत ही उठ रहता रे, और घर पे जाके हमसे ही बात कर रहा है। तो एक दिन आधी रात में मांगी लाल जी को जाने क्या सूझ पड़ी, सुनो ना मेरे घर वाले कल कहीं जा रहे हैं, तो आ जाओ, आ जाओ भाई, नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। चार दिन हुए अभी इस आदमी को बात करते हुए, और कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका, सीधे घर पे। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब इसको खोखला करने का टाइम आ गया है। तो हमने लिखी, हाँ, मिलती मिलती मिलती। तो अपने मांगी लाल जी पूरा तैयार होके बैठे प्रोफेशनली, अरे परफ्यूम की बोतलें खाली कर दी फुसफुस करके। तो हमने घंटी बजाई, मांगू मैं आ गई। और ये लौंडा इतनी खुशी से आया ना दरवाजा खोलने, बाहर हम तीन लौंडे खड़े हाथ में सेऊ परमल लेके। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी नजरों में गिरते हुए देखा है। तो ये हरकत के बाद मांगी लाल जी को लगा था गहरा सदमा। मांगी लाल जी बैठे हुए सदमे में, क्या यार क्या यार, मतलब दिमाग नहीं क्या तेरे जरा था भी? अरे बेबी। भाई लोगों ने क्या चाल चली है ना, अब इस चाल से मांगूलाल जी का मन पूरा खोखला हो चुका है, अब वो पूरी जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। नहीं यार, एक सब्सक्राइब बनता अपने मांगूलाल जी के लिए ब्रोस। तो ये हरकत के बाद मांगी लाल जी को लगा था गहरा सदमा। मांगी लाल जी बैठे हुए सदमे में, क्या यार क्या यार, मतलब दिमाग नहीं क्या तेरे में जरा था भी? अरे बेबी। ब्रो अभी खून होने वाला सबका। क्या खाएगा क्या खाएगा क्या खाएगा? ले बुंगड़े खाएगा क्या? बुंगड़े? भाई ये बुंगड़े क्या है यार ये?
ब्रो पहले तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भूंगड़े क्या होता है और मेरे को भी खाने आ भी है। अगर मैं यहाँ पे अपना कैप्शन ऑन करूँ, हैंग ऑन अ सेकंड भाई, इंग्लिश में कैप्शन दिखा भाई मेरे, मेरे को यहाँ पे ऑन करनी है इंग्लिश। और अगर मैं आप भी देखूँ तो ले भूंगड़े खाएगा क्या भंगड़ा, क्या ये गूगल पागल हो चुका है यार ये। अरे भाई टेंशन नहीं लेना रे, जिंदगी बहुत छोटी है, होता रहता है सब। तो देखो जब भी हमारे घर में मेरा कोई दोस्त आता था ना, मेरी मम्मा सब काम छोड़ के उन पे नजर रखते थे। चप्पल खोल साले, कोई शर्म ही नहीं आ रही इसको, घुसे चले जा रहे हैं बस, और ये टट्टी वाली चप्पल पहन के मत आया करो मेरे घर पे। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ ना कुछ चोरी करके ले जाएंगे हमारे घर से। और वो लोग खेल के जब वापस उनके घर जाते थे ना, देखो यार उनकी पॉकेट चेक होगी। मैं जिन पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ, मेरे को तुम लोगों पे बहुत ज्यादा गर्व है। और हो यार तुम में वाली बात है कि तुम लोग घर घर जाके चोरी कर लो, तो इसीलिए मेरे को दिखा दो यार एक बार जेब। हाँ ये लोग चोरी खेल के घर पे जाते थे ना, तो इनकी मैं प्रॉपर पूरी जेब चेक करता था कि लोग कुछ चोरी करके तो नहीं ले जा रहे जेब में। मुंह खोल ओके ब्रोस, ये बात एकदम से रिलेटेबल है। जब मेरे दोस्त मेरे घर के अंदर आते थे ना, तो मेरी मम्मी भी उनको ऐसा ही ट्रीटमेंट देती थी। उनको लगता था कि मेरे सारे दोस्त जेल से भागे हुए कैदी हैं। और लिजिट भाई मैंने एक बार ही अपने दोस्त की जब जेब की तलाशी ली, तो आप बिलीव नहीं करोगे, टुकड़ा बंदा पेच का स्टोरी कर रहा है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, गधे टीवी के पास पैसे पड़े हैं, पैसे उठा, पेचकश क्या करेगा तू? खेलो कुछ चोरी करके तो नहीं ले जा रहे जेब में। ला मुंह खोल तो, मम्मा संदासी लाओ जल्दी, मुंह में सोफा चोरी करके ले जा रहा अपने घर से। अरे बासा रहते हैं मुंह, कल क्या करूं मैं घर पे। तो मेरे दोस्त लोग थे निहायती काम चोर, बेरोजगार और फ्री फोकटे। रोज के रोज मेरे घर पे ग्रुप स्टडी के नाम पे आते थे ये लोग, बिना कॉपी किताब के खाना खाने के लिए लाते आ जाते थे मेरे घर पे, और सीधे मेरे कमरे में आके, हाँ भाई हमको याद कर रहा था कि तू आ गए, हम आखिरकार क्रिमिनल खा रहा गेले गेले लाइदर देख, चलो रे एकदम चौक चौक खेलेंगे। नहीं राजा मंत्री चोर सिपाही खेलेंगे। भाई ये नई चड्डी कब लाया, एकदम फिट पार्ट लग रही है, तो फिट पार्ट समझ रहे, मतलब की पार्ट भी कर सकता है तू इसके अंदर। तो हाँ एक बार मेरे घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं आराम से बैठ के पढ़ाई होगी। अभी दोस्त लोग आएंगे, दोस्त लोग आएंगे पक्का। करने वाली पिंकी इतनी शातिर होगी क्यों कोई भी ये समझ नहीं पाया, अच्छी सूरत के पीछे सीरत भी अच्छी हो ये जरूरी नहीं। ओके लेकिन ये जंगली लोग सपना वहाँ बैठाता है इन लोगों से, मेरे घर पे आ गए पार्टी करने बिना किसी रीजन के, कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा किसी की जिंदगी में। उसके दादाजी मर गए थे परसों। अरे जो हो गया सो हो गया, आ गए पार्टी करने, पार्टी करते हैं। लेकिन काय की पार्टी काय की, जिंदगी बहुत छोटी है रे, मजे करो यही पल, फिर बाद में याद आएंगे। तो लोग मेरे पूरे घर में कचरे का फैलावड़ा करके निकल लिए घर। भाई ये सब साफ तो करो, दोस्त ने क्या दिखा दी फिर अपनी, कर ले यार तू साफ। अरे चल देख बाय बाय। और अभी मम्मी आके परेड लेगी इसकी, बिस्किट गया था, देखना 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 मम्मी आके परेड लेगी। घर वाले वापस आए ना, ये पड़ोसी क्या मालूम क्या फूक के हमारे घर पे ध्यान रख रहे थे। भाभी यार बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ये बताते हुए। तुम हंस रहे हो लिटरली, ये उम्मीद नहीं थी यार मेरे को आपके बच्चे से। जैसे ही आप गए ना, मैं यार क्या बताऊं, क्या मत बताओ जा रही मैं। अरे आप जैसे गए ना लड़कियां लेके आ गए, तो भाभी जो हुआ वो हुआ, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही यार। अरे तो शर्माओ ना, बेशर्मो जैसे बताए जा रहे हो। फिर वो भी झूठ, ये गया लड़कियों को लेके घर में और गाने चला दिए जोर जोर से ताकि बाहर आवाज नहीं आए, समझ रहे हो ना भाभी। नहीं भगवान ऐसे नेबर से बचाए यार, अभी सारे बंदे यहाँ पे सिंगल है दुनिया के अंदर, ऐसे नेबर होंगे तो सिंगल ही रहेंगे ना। नहीं लड़की यहाँ, लड़की भी नहीं लड़की यहाँ, कल देखो मेरी एक बार। अरे लड़के थे वो, अब क्या उसके छाती के बाल दिखाऊं आपको? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं को सारा मार। हाँ, मम्मा को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको इस चीज का डर है कि लोग मुंह में सोफे चुरा चुरा के ले जाएंगे हमारे घर से। और हाँ मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी थे, स्कूल में मैंने किसी लड़की से जरा सी बात क्या कर ली, ये लोग आके स्कूल में बात फैला देते थे। और फिर पता है, आए हाय बातें हो रही है, शादी की पत्रिका देने कब आ रहा है। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता था ना, मोहल्ले की सारी लड़कियां ऐसे कहानी में दिखाएगा, सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। एक समोसा और ले आओ। और हाँ, नहीं। ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना जिसमें दिमाग नाम की इतनी सी भी चीज नहीं होती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि ये हमारा दोस्त है। एक बार इस बेचारे के घर में आग लग गई, सब लोग भागा भागी कर रहे, ये अंदर ही खड़ा है। अरे चिंता मत करो, सांस रोक लूंगा मैं।
तो हम चार लौंडे रोज शाम को निकल जाते थे रबड़ने के लिए, लेकिन मेरे को हमेशा डर बना रहता था कि हम लोगों की कोई बात नहीं सुन ले, क्योंकि बहुत हाई लेवल बातें चलती थी हमारी। अपने रमेश जी, ये था कैरेक्टर आदमी। देखो बता, कल हम मर्सिडीज के शोरूम गए थे। अरे आए हाय, क्या चीज है, राजश्री पान मसाला, सोच में स्वाद है। हम इसके साथ नहीं है, नहीं है मेरे दोस्त। तो देखो यार, मेरे को अच्छी थी ब्लैक कलर की मर्सिडीज। पापा, ब्लैक कलर की मर्सिडीज मस्त लगी है ना? नहीं बेटा नहीं, थोड़ा आगे के लिए भी सोच के चलो, ये ब्लैक कलर की है। हाँ, तो ये रात में नहीं दिखेगी। लॉजिक। व्हाइट कलर की, अरे व्हाइट कलर की दिन में नहीं दिखेगी, चल रहने देते फिर। मर्सिडीज वाले, इनका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता, इनका पूरा परिवार ही ऐसा था। हमने पता एक बार क्या किया था, मैं मेरे बाकी के दोस्त लौंडे लोग जो हैं घुस गए थे बेंटले के शोरूम। बेंटले, अब वहां पर हम घुसे, उनको पता लग चुका कि हम हमारी हैसियत की ये गाड़ियां बाहर है, ठीक है, 2-2 करोड़ की गाड़ियां वहां पे, और हम घुसे और घुसे ही उन लोगों ने हमको बोल दिया, बॉयज डू नॉट टच एनी कार। पिछले कहती छोटी सी बड़ी मित्र काफी है, और अगर इन द मीन टाइम आपके दोस्त भी ऐसे चोमू है अपने दोस्तों की तरह, तो उनके बारे में मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। थे जाके WWE1 एंड बाय।